बिहार से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ सऊदीया से, और जब मैं यहाँ पर आई तो स्कूल बहुत सेफ लगा मुझे। मतलब यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है। मीर हैदर अली खान एंड परसेंटेज मुझे 81.60 आया है। स्टूडेंट ऑफ बी एफ सी इंग्लिश स्कूल, आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, एंड प्रिंसिपल मैम सर आर वेरी हेल्पफुल टू मी। सर आपका नाम बताइए और आपने कितना परसेंटेज आया इसकी? मेरा नाम है मीर हैदर अली खान एंड परसेंटेज मुझे 81.60 आया है। हैदर आपका मीडियम कौन सा था? इंग्लिश मीडियम। बी एफ सी हाई स्कूल की पढ़ाई वगैरह कैसी है, यहाँ पे टीचिंग का मामला कैसे, टीचर्स कैसे, इस बारे में? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर एंड द टीचर्स वर ग्रेट विद अस एंड द एजुकेशन वाज रियली गुड बाय माय साइड। आप आगे की पढ़ाई हासिल करके क्या बनना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपलं नाव सांगा आणि आपण ने किती परसेंटेज आणले बी एफ सी शाळेमधून, ते पूर्ण सांगा, माहिती द्या। माझं नाव गौरव मोरे आणि मी 86.20 परसेंटेज आणले बी एफ सी इंग्लिश स्कूल याच्याकडून, आणि इथलचे टीचर्स ते सपोर्टिव आहे, बराच अभ्यास करून घेतात आणि हार्डवर्क पण खूप लागते, त्याच्यामुळं टीचर्स सपोर्ट बी करतात। पुढचं शिक्षण काय घेणार? पुढचं शिक्षण आता 11-12, त्याच्यानंतर मग सी ए फाउंडेशन। आपका नाम बोलिए और आपने कितना परसेंटेज लेके आया 10वीं जमात के बारे में? मेरा नाम सैयद फायजा अली है, मैंने 10th रिजल्ट, मेरे 10th एग्जाम में 88.80 रिजल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह से। आपका मीडियम कौन सा है? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बी एफ सी आई इंग्लिश स्कूल। यहाँ के आपको स्कूल कैसा लगा उस बारे में बताइए, यहाँ का स्टाफ, टीचर्स वगैरह? जी, मैं बाहर से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ सऊदीया से, और जब मैं यहाँ पर आई तो स्कूल बहुत सेफ लगा मुझे। मतलब यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है, और यहाँ पर आके मुझे मतलब नॉलेज एकदम बहुत अच्छा लगा, यहाँ की स्टडीज़ एकदम परफेक्ट है। आपने बताया कि आप सऊदी से आए यहाँ पर, जी तो क्या सऊदी में भी आपने पढ़ाई की है यहाँ पर? जी, वहाँ मैं 2 साल पढ़ी हूँ। वहाँ की पढ़ाई में और इंडिया की पढ़ाई में क्या फ़र्क है? इंडिया की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है, मगर जो स्कूल में हमने यहाँ पर, इस स्कूल में हमने स्टडीज़ किए वो बहुत बेहतरीन थी। योर गुड नेम्स? माय नेम इज़ समीक्षा। अभी आपने कौन से क्लास में तालीम हासिल की यहाँ पर, कौन से दी आपने यहाँ पर? इन 10th स्टैंडर्ड। कितना परसेंटेज आया? आई गॉट 90% इन SSC एग्जामिनेशन। आगे पढ़ाई क्या करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम MBBS। माई नेम इज समीक्षा अजय थोरात। आई एम वेरी लकी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ बी एफ सी इंग्लिश स्कूल। आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, एंड प्रिंसिपल मैम सर आर वेरी हेल्पफुल टू मी, दे सपोर्ट मी अ लॉट, एंड ऑल्सो टीचर, स्पेशली सारिका मिस, रफीक सर, फरा मिस, एंड दिस स्कूल इज़ वेरी सेफ, हियर एटमोसफियर इज़ वेरी नाइस एंड गुड एंड सूटेबल फॉर द एजुकेशन। I love the school very much. Facebook पे किया, advertisement में की, ये combination है आपका result, आपकी मेहनत और हमारे teachers की मेहनत। आप लोगों को आगे भी ऐसी पढ़ना है, 11th आपके father के, grandfather के, mother के, grandmother के expectation हो सकते हैं, नाना नानी, दादा दादी सबके expectation हो सकते हैं, किसी को डॉक्टर बनाने का, किसी को इंजीनियर बनाने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने का, लेक्चरर प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने का, तो एक्सपेक्टेशन पूरे करने के लिए आप लोगों को अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, उसका भी सहारा ले सकते हैं आप लोग, ईच एंड एवरी थिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल। आप कुछ भी, आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं रह सकता, कोई भी क्वेश्चन मार्क का आंसर है गूगल पे, सवालिया निशान का जवाब है। तो मैं समझता हूँ अरे हमारा जो स्टोरेज है, हमारा स्टोरेज ये है जो चार्ज करते हैं, परफेक्टली स्टोरेज होना, रिटेन होना और परफेक्टली रिफ्लेक्ट होना, आंसर शीट्स, ये आगे की बात कर रहा हूँ, 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, 11th-12th की बात कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम में आपको सवाल हल करना है, नीट में, CET में,
टाइम को भी देखना है और करेक्ट आंसर भी होना है। अब चारों आंसर करीब करीब है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो ज्यादा सही है उसको टिक करना है। तो इसमें इंटेलिजेंसी की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके लिए आप लोगों को चाहिए कॉम माइंड पॉइंट है, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करें, एनर्जी मीन्स मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी प्रिजर्व करें। अननेसेसरी क्या बड़ी एक शब्द है बकवास, या इधर उधर की बातें करना, या ये नहीं करते हुए अपने आप को हमेशा मतलब इंटेलिजेंटली मूव करें लाइफ में आगे, तो आपको रिजल्ट मिल सकता है। आपने अगर से फोकस करें, वो आपने हिस्ट्री में तो इतिहास में पढ़ा होगा, वो तेल में नजरें और मछली की आंख में तीर अर्जुन का, वो फोकस है, वो फोकस चाहिए, तो आप लोग अचीव कर सकते हैं। अब हमको तो आदत हो गई है, 20 लगभग बैच निकल गए हैं टेंथ के इंग्लिश मीडियम के, जो बच्चे बच्चे हमारे हाथों में से गए हैं वो 36-38 साल के हो चुके हैं, और जब तक ताकत है तो ये कंटिन्यू रहेगा, मगर हर जमाने के हिसाब से हमारा अंदाजे बयान भी बदल जाता है। हो सकता है 20 साल पहले हम कुछ अलग कहते हो, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, आज का हमारा बोलना मुख्तलिफ है बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजी। तो जाते जाते बस मुझे ये पेरेंट्स भी हैं और बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, खासतौर से संजीव जी जो लाना है हमारे बॉयज में लाना है, ये थोड़े से बाहर निकल जाते हैं, स्मार्ट समझते हैं, हाथ में चैन, बाल, गाड़ी, ये तमाम चीजों की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है आप लोग ऐसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, हैंसरशिप के माध्यम से या अपनी पर्सनलिटी इंटरव्यू में आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मायने रखता है। उसका रीजन मैं हूं, मैं खुद 20 साल में प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया हूं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर सब जा चुका हूं मैं, तो एक अलग माहौल है। जो हम हमारे महलों में रहते हैं वैसा नहीं है, हमको बहुत उससे हटके सोचना है, अलग सोचना है, और उसमें अमल भी करना है, खाली सोचना ही नहीं है, अमल भी करना है, तो हम ग्रो हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। वो एक मिसाल दे देता हूं, मैडम ने एक बच्ची को 2005 में थप्पड़ मारा था और शायद एक में थी बच्ची, और बच्ची का परसेंटेज उस पीरियड में भी आता था 85%, माँ बाप खुश लाके पेड़ खिलाते थे 85%, मेरी बच्ची 85, मगर हमको मालूम था उस बच्ची शी कैन गेट मोर देन 95% पास। उन्हें माँ बाप को मतलब क्या बोलेंगे उसको, गलत फहमी, मैं 85 पता पड़ू, मगर हमको मालूम इसका लेवल तो 95 के ऊपर है, तो मैडम का थप्पड़ उसलिए था, वो डिफरेंस जो था बीच का 10 तक के का उसके लिए थप्पड़ था, तो वो थप्पड़ का जिक्र उसने अपनी स्पीच में की थी जब वो टॉप 5 में जो घाटी में लगी थी यहाँ पे, डॉक्टर अजीजा नाम है उसका, एमबीबीएस हो चुकी है, पीजी भी कर रही है घाटी में, तो उसने 12वीं की जब टॉपर बनी थी आजाद कॉलेज की, तो उसने अपनी स्पीच में ये बताया था कि मैडम ने मेरे को 8वीं में थप्पड़ मारे थे, वो थप्पड़ था डिफरेंस का 10% का डिफरेंस का, मैं तो 85 लाती थी, माँ बाप खुश थे, 10% 85 से मैं जम करी 95। तो ये जो मायने रखता है, वो जो मायने रखता है, या फिर आपने आंसर शीट लिख लिया, एक बार उसको पलटा के देख लिया, उसको रिविजन एक नजर डाल लिया, वो मायने रखता है, वो 1-5% बढ़ा देता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिंदगी में, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल, और आपको गाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, काउंसलर्स हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं आप लोगों के, खाली बच्चों को जरा संजीदगी से बताओ, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने जो भी करना चाहते हैं, तो बिजनेस में भी बच्चे अच्छे हैं हमारे पास, कि आज हम खुशी होती है कि पैठन गेट से जब नीचे उतरते हैं राइट और लेफ्ट साइड में हमारे पास हाथ से बच्चे निकले हुए जो बिजनेस में कदम जमा चुके हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड टाइप के जो मॉल्स बने हैं वो भी बच्चे हमारे हाथों से गए 2003-2004-2005 के। मैं बिजनेसमैन बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर अतीफा वो भी एक पीजी कर रही है घाटी में, एमबीबीएस भी उसका भाई डॉक्टर मुसोट एमजीएम से वो करा है, डॉक्टर अम्मा राजी थर्ड ईयर में शायद घाटी में, इस तरह से एक चीज है, बीएफसी का एक फोकस है, हम अपने माशरे को फोकस कर रहे हैं,
अभी फिर से तब्दीली ला ली हमने इस साल, आप लोगों के नॉलेज में मतलब लेकर चलूं, वो तब्दीली ये करे हैं कि महानगर पालिका वाले आजकल सीबीएसई पैटर्न शुरू किए, दो तीन साल पहले सीबीएसई पैटर्न। डॉक्टर अस्तिक कुमार पांडे जो हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने कही मुकुंदवाड़ी में दो साल पहले दो स्कूल लाए, उसके बाद में दो लाए, इस साल सात हो गए। आगे चल के ऐसा हो सकता है हमारे पास में जो झाड़ू और पोता मारने वाली बहन रहेंगी वो भी मासा मुर्गा इकड़े शिफ्ट हो, सीबीएसई में शिफ्ट हो, ये ऐसा होने वाला है। तो मैंने पैटर्न ला लिया, अच्छा हमारी हैसियत भी नहीं है कि ज्यादा दे सकें, उसी पैकेज में जो फीस स्टेट बोर्ड की है उसी फीस में मैं सीबीएसई पैटर्न आपको फिफ्थ चालू कर दिया। थोड़ा सा टफ है सिलेबस, मगर लोगों का कहना है सीबीएसई वाले जरा ज्यादा क्लिक होते हैं, इलेवेंथ और ट्वेल्थ वो हमको तो दूरंदेशी रखना है, ट्वेल्थ की दूरंदेशी रखना है, और जो दूरंदेशी रखेंगे वही क्लिक होगा। तो सीबीएसई और नैसर्गिक ग्रोथ बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ कहते हैं उसे, नेक्स्ट ईयर सिक्स लूंगा, सेवन्थ लूंगा, एट्थ लूंगा, नाइन्थ और टेंथ स्टार्ट, क्योंकि मेरी मान्यता मुंबई की, चाहे तो मैं सीबीएसई की मान्यता तीन एकड़ में ले सकता हूं, मगर फिर उसकी फीस 55,000 से 70,000 साल की नहीं दे सकते। मुझे अपने पर्सेस और जेब की हैसियत को भी मद्देनजर रखते हुए, माशरे की जेब की हैसियत को भी मद्देनजर रखते हुए फीस डिजाइन करना पड़ता है। तो उसको अगर से मद्देनजर रखे तो मैंने जो पैटर्न लाया हूं आज 2022 में सूटेबल है, पता नहीं 2023, 24, 25 या 26 में क्या होगा। तो आपके कुछ रिलेटिव बच्चे है अगर से फर्स्ट टू फिफ्थ के बीच में, वो सीबीएसई पैटर्न पढ़ रहे हैं आपके और आगे स्टेट बोर्ड चल रहा है, विश ऑल दी बेस्ट। और क्या था उनका कहने के लिए तो बहुत सारा है, बच्चों दुआ है। ये बच्ची महवेश तुम्हारे डॉक्टर यूसुफ डैडी की अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है आप डॉक्टर बनने के। दूसरे बच्चे भी अच्छे नीट में मार्क्स लाओ, अच्छी स्टडी करो, फोकस रहो, ज्यादा ब्रेन डिस्टर्ब मत रखो, फोकस रहना हमेशा, हर चीज एब्जॉर्व करना और टाइमली रिफ्लेक्ट करना आंसर शीट में, बस ये रखो। और इधर उधर की बातों में अननेसेसरी क्या बोलेंगे, हमारी एनर्जी को, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, प्रिजर्व करना चाहिए। जितना आप प्रिजर्व करेंगे मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी तो आप तो डेफिनेटली क्लिक होंगे। बस इतना ही आपके खासा के दो अल्फाज थे, अलविदा बच्चों, हो गया, ओके ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز مہمان خاص طور سے سرپرست جو یہاں پر آئے ہیں ڈگنیٹیز، محترم شاکر سر بی ایف سی آئی کے پریسیڈنٹ، محترم اشرف بی ایف سی آئی کے سیکرٹری ساریکا، और मेमन मुदू स्कूल के सदर मुदरिस सादिक सर और तहसील, तमाम असातिज़ा बीएफसीआई के और मेमन मुदू स्कूल। सबसे पहले मैं अपने तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देती हूँ बीएफसीआई और मेमन मुदू स्कूल के। आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन परसेंटेज से कामयाबी आपने पाई है, आपको मुबारक। अल्लाह ताला ने आपका पहला पड़ाव मुकम्मल किया, जहां पर कुरान में जो पहला लफ्ज नाजिल हुआ वो है इकरा, पढ़ो। अल्लाह ताला ने फरमाया पढ़ो, दीनी तालीम दुनिया में तालीम, यानी कि इसी में आपकी तरक्की है, भलाई है दुनिया व आखिरत। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अगर आपको तालीम के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। चीन जाने का मतलब ये नहीं कि हमको हर इंसान को चीन जाना है, बिल्कुल हरगिज नहीं है, यानी कि इसका ये मतलब है आपको कहीं और जाना पड़े। सदाकत के मोती लुटा के चलते हैं, सदाकत के मोती लुटा के चलते हैं, हर किसी को अपना बना के चलते हैं, करे कोई कैसे उनके खत का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। अब मैं बीएफसीआई इंग्लिश स्कूल के तलबा व तालिबात को
मधु करना चाहूंगी जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिसमें सबसे पहले मैं शेख महविश यूसुफ जिन्होंने 92% हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की है। सर इधर देखिए, सर इधर देखिए, सैयदा फरीहा